जय मस्ता दी। तो भाई हम लोग देखिए फ्रूट वगैरह सब लेके जा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो है ना दर्शन के लिए थोड़ी देर बिठा दिया है, अब थोड़ी देर बाद में हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। सारी संगत को जो है ना यहाँ पर नीचे बिठा दिया है। हैप्पी बर्थडे साई जी, हैप्पी बर्थडे। जय मस्ता दी। सभी को राम राम। तो भाई हम लोग जा रहे हैं आज लाडी शाह के जन्म दिवस के लिए नकोदर। पहले हम लोग मुराद शाह की जी के लिए गए थे, आज हम लोग लाडी शाह के लिए जा रहे हैं। तो ये भी दोबारा से जा रहे हैं और आज हमारे साथ जा रहे हैं कौन? अरविंद। और आगे बैठे, आज मैं पीछे बैठा हूँ। देखिए हाय गाइस। तो हम लोग पहुंच गए नकोदर। तो हम लोगों ने यहाँ पर लाडी शाह जी के लिए जन्म दिवस के लिए केक लेने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं और बस 5-7 मिनट का रास्ता केवल बचा है। 5 मिनट के से भी कम लगेगा। नकोदर तो हम लोग शहर के अंदर एंटर कर चुके हैं लेकिन 5 मिनट के अंदर हम लोग दरगाह पे पहुंच जाएंगे। बाबा लाडी शाह और मुराद शाह जी के दर्शन कर लेंगे थोड़ी देर के। मेला है, थोड़ा समय लगेगा और आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में, मैं पूरी ब्लॉग आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं नकोदर बाबा लाडी शाह और मुराद शाह के दर्शन करने के लिए। और आज जो है ना साईं लाडी शाह जी का जो है ना जन्म दिवस भी है। ये देखिए उनके लिए केक लेके आए हम लोग सब लोग। ये सब, ये हमारे प्यारे दुसन और ये भाई साहब भी आए सामने, देखिए ये पीछे। परवीन कैसा लग रहा है आज? हम लोग कहाँ आए? ये भी लेके आए जन्मदिवस के लिए केक बहुत बड़ा। जय मस्ता दी। टिकारा लाडी साहिब बोल साचे दरबार की जय। ये छोटी सी मार्केट बनी हुई है यहाँ पर, मार्केट तो काफी है। और यहाँ देखिए कुछ और भी हमारे साथ के लोग मिल चुके हैं यहाँ पर। हाय और भाई कैसा लग रहा है? ये देखिए कितना बड़ा केक लेके आए हैं और इन्होंने छोटा सा केक लिया है। और ये भाई भी मेरे साथ है। जय मस्ता दी। तो भाई हम लोग देखिए फ्रूट वगैरह सब लेके जा रहे हैं यहाँ पर, केक भी है हमारे साथ में। हम लोग ये 5 किलो का केक लेके जा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए सामने। परवीन संगत जो है ना बहुत ज्यादा आई है, काफी रश है यहाँ पर बहुत ज्यादा और बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ पर। आप देखिए मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ की छोटी सी। तो भाई हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है, देखिए ये ले लिया है सामने और ये केक। भीड़ देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लाइन है। यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा लेकिन कैश पेमेंट होनी चाहिए। ये देखिए लाइन कितनी लंबी है भाई, बहुत ज्यादा लाइन है। जय मस्ता। इधर इधर
जय मस्ता दी। परवीन इधर देख, परवीन जय मस्ता दी। ये देखिए भाई कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लंबी लाइन है, छोटे छोटे बच्चे भी। भाई यहाँ पर जो है ना दर्शन के लिए थोड़ी देर बिठा दिया है, अब थोड़ी देर बाद में हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। सारी संगत को जो है ना यहाँ पर नीचे बिठा दिया है भाई, सारी संगत जितनी भी वो नीचे बैठी है। दफ्तर के बाहर प्लीज जितने भी मेरी आवाज़ यहाँ पर हम लोग केक लेके आए, हम लोग अब केक काटने जाएंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ पर साईं जी के लंगर में हम लोगों ने चाय पिया था, ये चाय का लंगर है साईं जी का, ये सामने यहाँ पर जेंट्स पीते हैं और यहाँ पर लेडीज़। ये है साईं जी का दरबार, साईं जी के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, ना ही भूखा जाता है। जय मस्ता दी। और जैसे अगर आप दर्शन करने आते हैं मेले में तो अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें भाई। आज आप फिर अब हम लोग साईं जी का बर्थडे मनाएंगे और यहाँ केक सेलिब्रेट करेंगे साईं जी के। और ये निशु मस्ता दी, जय साईं जी। बाट पर भी निशु बोए मोमबत्ती ना, बर्थडे जय साईं जी। हैप्पी बर्थडे साईं जी, हैप्पी बर्थडे। पिलियो पिली खारुची खमटीन गाली थी दिल्ली में मानसी बिचा उन्हें भी हल्लो थोड़ थोड़ वाला उन्हें पाड़ीन भाया इन्हें महनाल तो पाड़ीन महोन थोड़ थोड़ वाल तो भाई हम लोगों ने दर्शन कर लिए बाबा लाडी शाह और मुराद शाह जी के। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा विक्की शाह
विक्की शाह जा करके फिर हम लोग जाएंगे वहाँ से लाल बादशाह। पार्किंग हाउस फुल है यहाँ पर। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अब विक्की शाह जी के दर्शन करने के लिए, साईं विक्की शाह जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए मुराद शाह जी के दर्शन करके जब निकलते हैं वहीं से वो रास्ता थोड़े से आगे जैसे निकलते वैसे ही खब्बे साइड पे विक्की शाह जी के दर्शन अवश्य करें। ये मार्केट देखिए कितनी अच्छी है। प्रसाद वगैरह तेल वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे, ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के निकाला है। ये कहीं गुम हो गए थे हमारे साथ में आते आते। तो हम लोग आए लाल बादशाह जी के दर्शन करने के लिए, बाबा लाल बादशाह जी के दर्शन करने के लिए। हाय गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए बाबा लाल बादशाह जी के। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा। ये देखिए खूबसूरती बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर दर्शन करने में। अगर आप दिन को आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही नज़ारा आएगा। और मैं आपका दोस्त कमलजीत मनाली, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय साईं जी जरूर लिखें।